हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आपका स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। आज का जो ब्लॉग होने वाला है दोस्तों, वो होने वाला है, हम चलते हैं अभी खेत में गन्ना तोड़ेंगे। आज का जो ब्लॉग होगा गन्ना तोड़ेंगे और चूसेंगे भी। तो आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ गन्ना के खेत, गन्ना की खेती के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दूंगा और गन्ना भी तोड़ेंगे, चूसेंगे भी। तो चलिए हम चलते हैं ब्लॉग में, कंटिन्यू देखते रहिए। तो अभी देखिए इधर का कुछ व्यू, देखिए गाँव के बाहर का व्यू है मेरे। ये भैंसे बंधी हुई हैं धूप पे, बहुत सारे लोगों की भैंसे हैं, मेरी भी इधर है। और इधर का बैकग्राउंड आप देखिए, खेतों का व्यू। अभी चारों तरफ गांव में यही पीले पीले खेत सरसों लाही के मिल जाएंगे, तो एकदम देखने का कुछ नज़रिया अलग सा हो जाता है। आप देखिए इतना ज़बरदस्त सीन ओवरव्यू है, तबीयत खुश हो जाती है दोस्तों ऐसा नज़ारा देख के गाँव में। यही तो है विलेज में रहने, और गाँव की शुद्ध हवा सब कुछ यही मैटर करती है। तो आप देखिए मेरे पीछे इतना ज़बरदस्त सीन है, और इधर देखिए ये रास्ता आता हमारे गांव से बाहर साइड का, इधर से कुछ इधर का व्यू ऐसा है। तो हैं आपको आज गन्ना तोड़ेंगे, चूसेंगे भी, आप भी जान जाओगे, आप भी देखोगे गन्ना की खेती कैसे। वो लोग जो शहर में रहते हैं नहीं जानते गन्ना का, यानी कि गन्ना कैसे होता, गन्ना के खेत में कैसे गन्ना होते हैं, सब कुछ जान जाएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए हम आज आपको ले चलते हैं। धूप भी है मस्त, इसलिए हमने जैकेट अपनी उतार दिया। चलिए दोस्तों ये देखिए सामने आपको गन्ना दिख रहा होगा, तो चलिए अब फटाफट चलते हैं गन्ने के पास और तोड़ते हैं। तो सब कुछ दिखाने वाले हैं, तो चलिए फटाफट अब चलते हैं। ये देखिए नीचे कितनी पतली लेयर है, दोस्तों हम आ चुके हैं गन्ने के एकदम नज़दीक। देखिए आप एकदम पास में आ चुके हैं, और इधर कुछ लाही सरसों, ये देखिए महकता, अच्छा महकता है। देखिए कितने फूल, कितना ज़बरदस्त लग रहा है। खेत हम अंदर थोड़ा नहीं जाएंगे क्योंकि पानी लगा हुआ है, इसमें पैर धंस जाएंगे। ये देखिए, और ये मेरे पीछे नीरज चाचा का लड़का, ये आ गए हम गन्ने के पास। ये देखिए आप देखिए गन्ना कैसे होता है, पहले ये देख लीजिए। वो लोग जो लोग सिटी में रहते हैं नहीं जानते गन्ना, यानी कि जानते तो हैं कि गन्ना कैसा होता है, लेकिन ये नहीं जानते खेत में कैसा होता है। तो कुछ इस प्रकार का होता है गन्ना। देखिए दोस्तों अब हम इसके अंदर चलेंगे, ढूंढेंगे कोई अच्छा गन्ना, क्योंकि दोस्तों कहावत है कि गन्ने खेत में अगर आप जाओ तो आपको गन्ना नहीं ढूँढने को मिलेगा आप, क्योंकि अच्छा से अच्छा ढूँढोगे। और देखिए दोस्तों पानी भी लगा है इसमें, और गन्ने सब गिर गए हैं। देखिए इसको लोग बांध देते हैं, यानी कि सब कम से कम 8 या 10 एकदम मिलाकर बांध देते हैं कि गिरे नहीं, लेकिन फिर भी गन्ना गिर जाता है गाइज। देखिए गन्ना कितना, गन्ने के खेत में मैं आ चुका हूं। और बात करूं दोस्तों गन्ने की, तो इसका बीज नहीं होता, इसके गन्ने को ही टुकड़े टुकड़े करके खेत में लगाया जाता है, जिससे गन्ना यानी कि तैयार होता है। तो एकदम बहुत, एक गन्ना लगाओगे तो उसमें जितने यानी अंकुर निकलेंगे वो सब गन्ना एक में ही तैयार होता जाता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए कैसे हैं एक गन्ना लगाने में कितने गन्ना यानी कि तैयार हो जाते हैं। तो ये देखिए गन्ने की खेती कुछ इस प्रकार की है, जो कि इसे ले जाकर कोल्हू बोलते हैं, उसमें रस निकाल कर इसको पेराई किया जाता है, फिर उसको गुड़ बनाया जाता है, और गुड़ से दोस्तों वो बनता है यानी कि चीनी वीनी भी बनते हैं गन्ने से ही फैक्ट्री मिल में। तो चलिए हम गन्ना तोड़ते हैं और देखते हैं गन्ना हमें मिलता है या नहीं। हम बचा कर चलेंगे, क्योंकि इसमें ये लग जाता है दोस्तों, चीर जाता है, इसके पत्ते जो है एकदम धारदार होती हैं। ये देखिए हम गन्ने में आ चुके हैं, तोड़ते हैं, चखते हैं गन्ना। एक गन्ना आता है दोस्तों बहुत हार्ड होता है, जिसको अगर आपके दांत
आपके दांत मजबूत नहीं है तो आपके दांत भी टूट सकते हैं। देखते हैं कौन सा है, मुलायम वाला होगा, शायद मुलायम वाला होगा तो अच्छा है, नहीं तो फिर दांत अपने कमजोर हैं थोड़ा। जिसको भी गन्ना चूसना हो दोस्तों कमेंट करिए, मैं आपको सेंड कर दूंगा गन्ना। और आजकल ठंडी में गन्ना का रस पीने का कुछ अंदाज ही अलग है। आप अगर गन्ने का ताज़ा रस पीते हो तो ठंड लग जाएगी, क्योंकि इतना ठंड होता है। और लेकिन मज़ा की बात करूँ तो जो लोग पिए हैं वही मज़ा जान सकते हैं। तो देहात के लोग दोस्तों पीते ही रहते हैं गन्ना, दही, मूंगफली सब मिक्स करके, तो कुछ अपना अलग ही मज़ा है ठंडी में। तो चलिए, रस तो नहीं लेकिन गन्ना आज ज़रूर चूसेंगे। आपको भी चाहिए आ जाइए, चूसते हैं साथ में मिलकर सभी लोग गन्ना। वीडियो पसंद आ रही हो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और दोस्तों के साथ वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वो लोग जो सिटी में रहते हैं ऐसा ब्लॉग देखना पसंद करते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल सब्सक्राइब करके दोस्तों सपोर्ट करें, क्योंकि मेरा छोटा चैनल है, छोटा है ज़रूर बड़ा ज़रूर होगा ये मेरे को मालूम, इसलिए मेहनत करते रहो। आप भी अगर YouTube में आना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, मेहनत करिए सफलता ज़रूर मिलेगी, लेकिन पेशेंस बना के रखिए, इतना आसान भी नहीं है आज का YouTube। पहले का दौर कुछ अलग था, अभी कंपटीशन बहुत है दोस्तों YouTube में। तो आप डोंट वरी, आना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं आ जाइए, लेकिन थोड़ा पेशेंस बना के रखिए। किसी किसी का है किस्मत साथ दे जाए तो चैनल 10 दिन में 15 दिन में भी मोनेटाइज हो जाता है, लेकिन हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हमारा तो नहीं हुआ लेकिन कोशिश जारी है, मेहनत करता रहूँगा, चैनल मोनेटाइज भी होगा, पैसा भी कमाऊँगा, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ, ये पेशेंस बना के मैं रखा हूँ। कोशिश करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। गन्ना मिल गई है दोस्तों, ये देखिए नीरज तोड़ रहा है, ये देखिए आवाज़ सुनिए अब गन्ना तोड़ने की, ये देखिए गन्ना, इसके पत्ते सूखे वाली पत्ते निकाल देते हैं। गन्ना में दोस्तों जो लोग गन्ना की खेती किए हैं वही जानते हैं बहुत ज़्यादा मेहनत है गन्ने में, लेकिन पहले थी, अब तो लोग खेत में खड़े खड़े ही बेच देते हैं, जो लोग ले लेते हैं वो कटवा कर ले जाते हैं। इसको काटो छीलो ले जाओ गुड़ बनाओ, बहुत ज़्यादा मेहनत है इसमें। एक गन्ना मिल गया है, एक और तोड़ लेते हैं, बस दो गन्ने तोड़ लेंगे। हमारा गन्ना नहीं है दोस्तों, गांव में ही है एक लोग का, जिससे हम परमिशन लेकर आए हैं, पूछ कर आए हैं कि हम वीडियोज बनाएंगे और आपके खेत में गन्ना दो तोड़ेंगे, बस ज़्यादा नहीं तोड़ेंगे। उन्होंने परमिशन दे दिया कि जाइए। मिली, एक तो मिल गई गन्ना, ये देखिए एक और ढूंढ रहा है नीरज। नीचे देखिए जड़ कितनी है इसकी, कहां तक गाइज। फाइनली दोस्तों हमने गन्ना तोड़ लिया, ये देख लिया, और अब जा रहे हैं घर। आज के ब्लॉग में यही दिखाना था दोस्तों कि चलिए आपको हम गन्ना दिखाते, तो आपको हमने गन्ने की खेती दिखाया कैसी है, गन्ना भी दिखाए, तोड़ भी लिए, अब इसे चूसेंगे जाकर घर में। और आपको भी चूसना हो तो आइए कमेंट करिए या आ जाइए, चूसेंगे साथ में मिलकर सभी लोग मस्त, और भी तोड़ लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस आ जाइए आप। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर देना दोस्तों के साथ, और चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसा ही ब्लॉग देखना चाहते हो तो। चलिए मिलते हैं फिर किसी नए ब्लॉग के साथ, तब तक लिए अपना ख्याल रखना, अपने फैमिली का ख्याल रखें, ठंडी बहुत है, कपड़े पहन के रखें, फटा हो पुराना हो कैसा भी हो चलेगा, लेकिन ठंडी से बचना है तो आप फैशन में ना रहिएगा दोस्तों। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।